इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में की थी बेईमानी। अब फाइनल हो जाने के बाद सैम करन को जांच समिति ने बैठाकर पूछा बड़ा सवाल, तो धोनी द्वारा पेश किए गए आईसीसी में सबूतों पर एक के बाद एक धड़ल्ले से खुले बड़े राज। भारत की नहीं थी कोई गलती, बल्कि एम्पायर ने जानबूझकर भारत को हरवाया था मैच। तो दोस्तों आखिर क्या बोले सैम करन, वो सब आपको यहाँ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला शुरुआत से ही काफी ज्यादा विवादित रहा, क्योंकि इस मुकाबले में जहां इंग्लैंड की टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को 10 विकेट से हरा दिया। और दोस्तों ये हार हम भारतीयों को तो पची नहीं और साथ में पूरा विश्व भी हैरान था कि आखिरकार भारत जैसी मजबूत टीम जो कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे शानदार खेल दिखा रही थी, अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और यहां तक कि फील्डिंग में सबसे अव्वल टीम इंडिया को कैसे इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला भी खेल लिया और दोस्तों इस फाइनल मुकाबले को खेले जाने के बाद इंग्लैंड की टीम आईसीसी टी20 विश्व कप की विजेता बन गई। लेकिन दोस्तों यहां तो मेन मुद्दा है भारत के साथ जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया उसका। दरअसल यहां पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी के सामने कुछ सबूत पेश किए थे, जहां उनमें पाया गया था कि इंग्लैंड की टीम ने सरेआम बेईमानी करके भारतीय क्रिकेट टीम को 10 विकेट से सेमीफाइनल में हराया। और दोस्तों भारत जैसे ही सेमीफाइनल मैच से बाहर हुआ, उसी के साथ टीम इंडिया का जो शानदार सफर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे, तो वहीं इंग्लैंड की टीम को 169 रनों का लक्ष्य मिला था। हालांकि 169 रनों के लक्ष्य के जवाब में जॉस बटलर और एलेक्स हिल्स ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों का विकेट 14वें और 15वें ओवर में जा भी चुका था। दरअसल यहाँ पर एलेक्स हेल्स 14वें ओवर में आउट थे, तो वहीं जॉस बटलर का विकेट ऋषभ पंत ने लगभग मोहम्मद शमी के ओवर में चटका ही दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ कुमार धर्मसेना ने बेईमानी करके दोनों ही खिलाड़ियों को बचा लिया और इन दोनों का विकेट ना गिरने की वजह से टीम इंडिया लगभग मुकाबले को हार गई, क्योंकि अगर ये विकेट अंतिम क्षणों में गिर जाता तो टीम आसानी से मैच को जीत सकती थी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके चलते यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने एम्पायर द्वारा की गई बेईमानी के सबूत पेश करते हुए आईसीसी से दोबारा से मैच कराने की मांग कर डाली थी। लेकिन दोस्तों यहां पर मुकाबला तो दोबारा हो नहीं सका, क्योंकि इंग्लैंड की टीम का पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला था। लेकिन दोस्तों अब फाइनल मैच हो जाने के बाद इंग्लैंड की जो ट्रॉफी थी वो अब आईसीसी ने अपने कब्जे में ले लिया और दोस्तों ये अब तय किया जा रहा है कि ये ट्रॉफी इंग्लैंड के पास रहनी चाहिए या फिर भारत के पास। तो वहीं दोस्तों यहां पर अब सैम करन से जब आईसीसी की जांच समिति ने पूछा कि इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ बेईमानी की थी या फिर नहीं, तो इस पर सैम करन कहते हैं कि अगर मैं सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने इंग्लैंड की टीम का साथ बस क्रिकेट खेलने के लिए ही दिया है। पीछे पीछे क्या चलता है इसकी जानकारी कप्तान जॉस बटलर और बेन स्टोक्स अधिकतर रूप में रखते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमने एक फेयर मैच खेला था और सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में कोई भी टीम कुछ ऐसा करने की सोच नहीं सकती। तो वहीं दोस्तों आगे सैम करन कहते हैं कि हम हमेशा से ही चाहते हैं कि हम मुकाबले में जितना शांत रह सके उतना रहें, क्योंकि हमें पता है कि मुकाबले को अगर जीतना है तो शांतिपूर्ण वातावरण काफी जरूरी है और हम उसको काबिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भारत को फिर भी संतुष्टि नहीं होती है और अगर भारत चाहता ही है कि एक बार फिर से जांच होनी चाहिए सेमीफाइनल मुकाबले की, तो हम बतौर इंग्लैंड के खिलाड़ी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हमेशा से ही क्रिकेट को अपने भगवान के रूप में देखा है और इस मैच में अगर कोई भी गद्दारी या फिर बेईमानी करे या हमारी टीम का कोई भी कप्तान या फिर खिलाड़ी नहीं चाहेगा और हमने एक फेयर तरीके से मैच खेला। हालांकि मुझे नहीं पता कि कुमार धर्मसेना ने हमें जिताने के लिए ऐसी चालें क्यों चली, लेकिन कुमार धर्मसेना का हो सकता है किसी अंदर के खिलाड़ी या फिर बोर्ड के साथ कनेक्शन हो, लेकिन हमारी टीम ने अपना 100% देकर मुकाबला जीता। तो दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बड़ा बयान सैम करन की तरफ से निकल कर आया और अब आप सभी की क्या राय है सैम करन के बयान के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।